तो अच्छी बात तो नहीं है वैसे। क्यों? जिसने रुकना नहीं है इसका मतलब वो नहीं देख सकता। नहीं देख सकता। ऑलराइट बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। कल का व्लॉग हमने यहाँ ख़त्म किया था, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे खपलू से शिगर का सफ़र। ओ बॉय, खपलू से वापसी का सफ़र छाँव हो गई है। अब मेरे साइड पर जो लेफ्ट में पहाड़ होंगे उनके पीछे है सूरज। जब तक मैं अपनी लोकेशन चेंज नहीं करता, अपनी डायरेक्शन, और 149 इसकी सेंसिटिविटी मैंने लो पे की हुई है, मनहूस क्यों किया मैंने इसे। अब मुझे वो सेटिंग नहीं मिल रही, देखो मुश्किल से ऑन होती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कर दूँ 140 PM। नहीं जाना, मैंने जाना है शिगर, तो शिगर भी उतना ही पड़ जाएगा तकरीबन। थोड़ा सा डिटूर लेना पड़ता है, राइट साइड पे जाना पड़ता है शिगर के लिए। गैस की सप्लाई ऐसे होती है, यहाँ दूसरी गैस तो होती नहीं है। मुझे भी जाके अपना साइड वाला बॉक्स ठीक करना पड़ेगा। कल व्लॉग में आपने देखा ऑयल लीक हो रहा था, मैं परेशान हो गया कहाँ से लीक हो रहा। तो वो जो ऑयल चेन ऑयल था उसकी डिब्बी थी राइट साइड पे, वो कुछ ऑफ रोड करते हुए देवसाई वाले पैच पे गलबन देवसाई पर खुली है वो, और पूरे डिब्बे के अंदर ऑयल ही ऑयल होगा। यू सारा सामान भर गया होगा ऑयल में। सर्दी हो गई है यार, सर्दी हो गई है। मुझे पहाड़ के इस साइड से निकल के दूसरी तरफ जाना है, जिसमें कम से कम 40 किलोमीटर तो लगेंगे। मैंने बैटरी रिप्लेस कर ली है, हीरो हीट की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। इस ट्रिप पर ऑल पाकिस्तान टूर जो हो रहा है, इस पर कुछ तो मेरे भी एज आ ह्यूमन एक हर बंदे की कैपेसिटी होती है। मैंने 12 दिन से ज़्यादा लंबा टूर नहीं किया, मैं 12 दिन से दूर ज़्यादा घर से दूर नहीं रहा, वो एक चीज़ है। दूसरे नंबर पे मेरी अम्मी बहुत परेशान होती हैं, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है, और अपनी कैपेसिटी को साइड पे रख के मैं उनकी तरफ देखता हूँ। और मैंने उन्हें कहा है कि निकलने से पहले भी कहा था, अब भी उनसे जब फोन पर बात होती है कि आप जब कहेंगी मैं 2 दिन में इंशाल्लाह आपके पास हूँगा, और वो नहीं कहेंगे मुझे पता, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मैं करना चाहता हूँ। सामान है लगा लिया पंचर, चले ठीक है। पंचर का सामान के पास है, उन्होंने लगा लिया। आई थॉट हेल्प कर दूँ, चलो अच्छा हुआ लगा लिया था, नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाना था। Thinking I would know what the future bring, all the highs and lows. Said I'm gonna win, though the world might spin. Now I'm sitting here like I'm no one. कितना प्यारा कलर है इन अजीब अजीब से पत्तों का, है ना। ऑरेंज
वाटरफॉल है छोटा सा यार। ये कहाँ से पानी आ रहा है? अल्लाह की कुदरत, कैसे यहाँ से ऊपर कुछ नहीं आपको दिख रहा, बर्फ एक पत्ता भी नहीं है, लेकिन फिर भी पानी आ रहा है ऊपर से। उप्स, बहुत बुरा आने लगा था, बहुत तेज जा रहा था मैं, शुगर टाइम पे ब्रेक वाली। रेत खतरनाक है, ग्रेवल जो है उससे ज़्यादा खतरनाक होता है। रेत पर अगर आप गिरते हैं तो चोट की प्रोबेबिलिटी बहुत थोड़ी सी कम होती है, लेकिन अगर आप ग्रेवल पे गिरते हैं तो फिर तो इंजरीज बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। अल्लाह बचाए सबको। यहाँ के लोग बाइक बंद कर देते हैं जब उतार रहे होते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आपके इंजन की ब्रेक जो है वो न्यूट्रल हो जाती है, और नो सबको पता है। दरख्तों की फॉर्मेशन है, चेक इट आउट, बहुत अच्छा रही है। प्राइवेट प्रॉपर्टी लग रही है किसी की, आई डोंट नो। मज़े की बात मैंने पहले नोट नहीं की, ये ड्रिप इरिगेशन टाइप चीज़ उन्होंने लगाई हुई है इधर, इतनी मेहनत कर रहे हैं। थम्स अप। क्या टाइम हुआ? 3:26। मेरे ख्याल से वो जो है ना सरफरंगा है, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है। यस, पागल हूँ क्या? सरफरंगा लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से हमने इसी रोड पे जाना है, और आई डोंट नो, पता नहीं, लेट्स सी क्या होता है। 22 किलोमीटर वैसे लिखा हुआ था इसी रोड से राइट मोड़ने पे। टायर्ड, थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए, फिर दोबारा केले मेरे ख्याल से खा लेता हूँ कुछ फ्रूट लेके। यस, आई थिंक राइट टर्न फॉर शिगर। यस, हर फोर्ट के ऊपर श्रीना बैठा हुआ, वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग, क्या कह सकते हैं, ऐसे ही है। ये वाला फोर्ट भी बंद होगा फिर तो कमाल हो जाएगा। ओ बॉय, सहराई फीलिंग आने लग गई है, और मे बी आई विल कम बैक टू स्कर्दू इन द सेम होटल आई स्टेड अर्लियर। लेट्स सी, मैं काफ़ी टाइम पर आ चुका हूँ, टाइम पर आने की वजह से। वाओ, वो पुराना है ये नया? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक। शिगर जा रहे हो? हाँ जी, शिगर जा रहे हैं। शिगर में क्या क्या देखने को? 3-4 घंटे के रास्ते पे क्या चीज़ है? गर्म चश्मा, अपने ज़बान में छुतरन कहते हैं। अच्छा, गर्म चश्मा। तो वो गर्म पानी वाकई होता है सर्दियों में भी? बिल्कुल, जहाँ जोर मुँह में दर्द नहीं होता है लोगों को, जी जी, उसके लिए वो शिफा है। पीने से नहीं, उसके नहाने से? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आईडी कार्ड दूँ आपको? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इतने छोटे छोटे गांव हैं वो है अस्कोले। वेलकम टू शिगर वैली। अच्छा जी, अम्बिक मॉस्क 16, शिखर फोर्ट 17। 3:36 हो चुके हैं, वी आर एंटरिंग शिखर। यहाँ भी इन्होंने ये दरख्त लगा दिए और अब जब ये बड़े हो जाएंगे दिस विल लुक अमेजिंग। राइट कर दूँ राइट दे, मेरी बहुत शदीद ख्वाहिश है कि अगर मैं अस्कोले जा सकूँ शिद्दत के साथ, लेकिन देखें जा सकता हूँ कि नहीं। रोड का पूछूंगा क्या सिचुएशन है, सब कुछ देख कर फिर फैसला करेंगे। केटू तो नज़र भी नहीं आएगा मेरे ख्याल से, आई डोंट नो। नाइजन से पूछा है ये नीचे गाड़ी क्यों जा रही है यार, क्या हो गया? कहते हैं वहाँ आगे गाँव होगा कोई, लेकिन नॉर्मली वो सरफरंगा जीप रैली होती है वो इधर होती है, तो उसका भी रास्ता यही है। ये ट्रैक है अर्बन, इंटरेस्टिंग। हाँ, मार्केट्स पे लगे हुए हैं। सरफरंगा डेजर्ट और वो नीचे गाड़ी क्या कर रही है, वो नेट नहीं चल रहा मेरे ख्याल से। 22 किलोमीटर है शिखर। खामोशी चेक कर रहे हैं। छोड़ा के पहाड़ लग रहे हैं मेरे तो। इनका पेट्रोल ख़त्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल जी? पेट्रोल ख़त्म हो गया सर, चले निकाल लें थोड़ा सा फिर इधर से। ऊपर से? हाँ ऊपर से चले निकाल लें फिर। वो आसानी से निकाल। ठीक है ठीक है, पेट्रोल इस तरफ डाल लें। ठीक है आ जाएगा। मैं वो महल आवाते दिन बोले सर देने दिन थोड़ा ना हम और हम दिन तो दो तेल समझ नहीं आ जी। किधर चले जाने सर? शिखर। शिखर जाने? हाँ जी। इंजन बस तेल थोप से ताजी। थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको आबाद रखे सर। कोई बात नहीं, इसी तरह कोई हमारी मदद कर देगा मुश्किल वक्त में। बिल्कुल सर। हाँ जी, थैंक यू सर, बड़ी मेहरबानी। कोई बात नहीं, अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, खूबसूरत। वो ड्यून्स चेक करें ज़रा, कमाल है यार। अब मुझे फ्यूल डलवाना पड़ेगा, वापसी भी डलवाऊँगा, गिलगित से डलवा लूँगा। अगर मैंने स्कूल जाना हुआ तो फिर मुझे डलवाना पड़ेगा, नहीं तो सही है चलता रहेगा। शिखर लेडीज एंड जेंटलमैन। अच्छा कुछ फ़र्क, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता जगहों में, सिमिलैरिटी नज़र आती है, लेकिन ठीक है इंसान जो है वो चाहता है कि यार मैं वहाँ भी चला जाऊँ, मैं देखूँ तो सही वहाँ है क्या। और हाँ, ही एंड्स अप एट प्लेसेस मे बी सिमिलर टू वेयर ही हैज़ बीन ऑलरेडी, लेकिन फिर भी इट इज़ एन एक्सपीरियंस। देवसर के अलावा आज तक मुझे, अभी तक अस्तौर फ़र्क लगा, अस्तौर देवसर तक के अलावा मुझे अभी तक कोई चीज़ ऐसी फ़र्क नहीं लगी जो मैंने पहले ना की हुई हो।
खुजराब का जो रास्ता मैंने किया था, खुजराब में भी इस तरह के बंजर पहाड़ी होते हैं, खाई हर तरफ होती है, और केकेच में इस तरह के होते हैं पहाड़। लिहाजा या ऐसे ही है, फिर भी हम तो जाएंगे। शुरू हो गया है, ठीक है, आगे जाके वहाँ से आपको मतलब पूरा वो मिल जाएगी। सही है, यहाँ इंटरनेट होता है सिग्नल? यहाँ पे आप कौन सा सिम लेके हैं? एसकॉम। या ले आप बेफिक्र हो जाए, इससे भी अंदर जाओ आपको उससे भी मिल जाएगा। चलो ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भैया सेंटर शिखर ठीक है, इसको बोलते हैं लमसा। लमसा हाँ, किसको किसको बोला? इसी एरिया को ना। अच्छा, इसको हाँ, इस एरिया को लमसा। वो जो आगे जो नहीं है वो यारबथो यारबथो यारबा 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 हाँ यारबा छो, ठीक है। छो मतलब झील है ना, यारबा मतलब वो आंखें जो कमजोर नहीं होते जी जी, उसको बोलते हैं यारबा बल्टी में, ठीक है। और शिगर जो है, शिगर भाई यही है आप, वो यही है। वहाँ जो साया नजर नहीं आ रहे, हाँ जी, उसी एरिया में आपको होटल मिलेगा, मतलब हर चीज पूरे शहर वहाँ पे है। चलो ठीक है, जरबोसो द ब्लाइंड लेक इस तरफ है, और इसको हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। शिगर 77,334 पॉपुलेशन, ओए होए होए। अच्छा, अस्कोले यहाँ से किधर आ रहा है? अस्कोले हाँ ठीक है, वो येलो वाला, येलो पैच में। बहुत लंबा रास्ता है अस्कोले का, 15-16 गांव गुजर गया है मैप के मुताबिक। रिप्यूटेड टू बी द फर्स्ट मॉस बिल्ट इन बल्तिस्तान विनिंग इन 2000 यूनेस्को अवार्ड। ओके, ये इतनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ये किस लिए हैं? ये सर, ये इतनी गाड़ियां खड़ी, ये हमारा फोर्ड की गाड़ी है, सरीना की गाड़ी सर। नहीं नहीं, ये वाली गाड़ी है, ये हमारा सेटअप की गाड़ी है, और ये एसपी साहब की गाड़ी है। अंदर मेहमान बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि मेहमान हमारा रूम गेस्ट है सर? अच्छा, रूम गेस्ट अलाउड है। कमाल हो गया यार, ये जाती है ये। वो गाड़ी पे लोग आए हैं, उनको उसने नहीं पूछा कि आप क्यों आ रहे हैं भाईजान, they just went in। शिगर, ladies and gentlemen, this is शिगर and I'm going back to Gilgit Skardu, क्योंकि मेरे पास टाइम है, अभी 4:20 हो चुके हैं, मैं पहुंच सकता हूं 6 बजे तक, Skardu पहुंच सकता हूं मैं। and I'm kind of heartbroken, I'm kind of disappointed, I'm fed up, I'm angry and what not।